जय हिंद, वेलकम टू विजय पंत एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से एचपी टेट की इस नई सीरीज में हार्दिक स्वागत है। नवंबर 2024 में जो आपका एचपी टेट कंडक्ट होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा, उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी का सेक्शन है, आपके डिफरेंट सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, जीके की सीरीज हमने पहले ही स्टार्ट की है, एचपी टेट के जो डिफरेंट आपके एग्जाम है, चाहे शास्त्री टेट हो, आर्ट्स टेट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, डिफरेंट जो आपके टेट के एग्जाम है उसमें जो साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगी, जिसमें मोस्टली हम 2014 से लेकर 2024 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज किस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डेली हमारी क्लास जो है वो शाम 8 बजे आपको देखने को मिलेगी विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारे साथ जो है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि ये टेट के क्वेश्चन आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। और आप सभी जानते हैं हिमाचल टेट का जो एग्जाम है उसमें पुराने पेपरों की अहमियत काफी ज्यादा रहती है, पुराने पेपरों के क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड होते हैं, काफी बार वो पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निबंध में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। बायलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। जो बिहेवियरिज्म है वो एम्फसाइज़ करता है टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर को, केवल आंतरिक व्यवहार को, यानी कि सिर्फ इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर यानी कि जो बाहरी व्यवहार है हमारा उसको वो उसके अध्ययन के बारे में बताता है, उसके साथ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, साथ साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एचपी टेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन सितंबर 2018 में भी पूछा गया था। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में डेट यहाँ पे दी गई है, आपको ईयर दिया गया, कब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रॉस चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्या रियलिटी में क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो अगर अभी आपने अगर लेटेस्ट एग्जाम दिया है 2024 का, तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बाहरी व्यवहार के ऊपर जो है वो बल दिया जाता है, किसका, बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म अलग है, बिहेवियर अलग है, ये दोनों आपने ध्यान रखने। जो हमारी पेड क्लासेस है उसमें ये पूरे आपको साइकोलॉजी का एक कंप्लीट सेक्शन जो है वो करवाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो बिहेवियरिज्म है वो किसी और ने दिया था, व्यवहार शब्द किसी और ने दिया था, तो वैसे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ऑप्शन है कुर्ट लेविन, नेक्स्ट है गुथरी, इसकी थ्योरी भी आपको आनी चाहिए, नेक्स्ट है जेबी वॉटसन और लास्ट है डोनाल्ड हेर। आप देख सकते हैं कब कब क्वेश्चन ये पूछा गया है, जून 2019 का क्वेश्चन है, उसके बाद एचपी टेट आर्ट्स 2000 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके 2013 में क्वेश्चन ये फिर से पूछा गया था, उसके ये जेबीटी में पूछा गया, एचपी टेट 1-5 यानी कि जेबीटी में भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, आर्ट्स 2017 का क्वेश्चन है, और उसके साथ जो आपका जनवरी फरवरी में जो आपका एग्जाम होता था, ठीक है, अब मोस्टली जो है वो आपके दिसंबर के आसपास एग्जाम हो जाता है, ठीक है, दिसंबर और जून के आसपास, पहले थोड़ा सा किसी इशू के कारण इसको आगे भी ट्रांसफर कर दिया जाता था, क्योंकि लगभग हमारे एक महीने तक जो है वो एचपी टेट के पेपर चलते हैं। ये 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो किसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो बोला जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे जेबी वॉटसन। जब साइकोलॉजी की स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले बताया जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, यानी कि आत्मा का अध्ययन है, उसके बाद हमें ये समझाया जाता है कि स्टडी ऑफ सोल नहीं है क्योंकि वो थ्योरी फेल होगी, उसके बाद बताया जाता है कि ये स्टडी ऑफ माइंड है, मन का विज्ञान है, वो थ्योरी भी फेल होगी, फिर आता है चेतना का, ठीक है, कॉन्शियसनेस की स्टडी है, फिर वो थ्योरी फेल हो जाती है, तो लास्ट में आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो फाइनली क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। देन ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, यानी कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली लेबोरेटरी, साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबोरेटरी जो थी वो स्टार्ट की थी,
यहाँ पे वॉटसन है, विलियम जेम्स है, विलियम वुड है और बिने। बिने की थ्योरी भी आपको आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जेबी वॉटसन के द्वारा जो है वो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी की जो मेन नींव है वो बताई गई थी, क्योंकि जेबी वॉटसन ने बताया था कि स्टडी ऑफ बिहेवियर को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट दिया गया था ये आपका नवंबर 2019 में, उसके बाद पीजीटी नवंबर 2019, दिसंबर 2014 और यहाँ पे आर्ट्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगातार चार बार क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है। तो जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था विलियम वुड, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो स्टार्ट की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब स्टार्ट की, यानी कि इनके द्वारा जो लेबोरेटरी थी, जो वर्कशॉप थी वो कब स्टार्ट हुई थी, ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टार्टिंग की थी। तो आपको बताना क्या इसका राइट आंसर है, 80, 89, 79 या फिर 59। तो इसका राइट आंसर यहां पे रहेगा 1879। ये आपका 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एचपी टेट में, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसकी परिभाषा है, किसने डिफाइन किया था, कि क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ द एजुकेशन। ये किसके शब्द है, किसने ये डेफिनेशन दी है, ये डेविस, उसके बाद बी एन झा, स्किनर या फिर इनमें से कोई भी, स्किनर की थ्योरी भी है आपको आनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आपको पेड कोर्सेज में ऑलरेडी पहले से करवाए जा चुके हैं। आज ही हमारी नई सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है, ये एचपीटेट जेबीटी जून 2021 का क्वेश्चन है। तो ये स्किनर के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यानी कि किस चीज के लिए हेल्प करती है, अनुशासन में यानी कि डिसिप्लिन, उसके बाद बाल विकास के ज्ञान है यानी कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है नॉलेज की, उसमें ये हेल्प करती है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, बच्चे का इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे आपको जो है वो अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करना है, और लास्ट है आपके पास ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो देखिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, यानी कि टीचर्स को क्यों बताई जाती है, ताकि वो बच्चे को समझ सके, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये क्वेश्चन आपका जेबीटी जून 2021 में आपसे पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और वो मेथड कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मेथड आपको बताना है, जिससे हम बिहेवियर को समझ सकते हैं, बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। पहला है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, उसके बाद है सर्वे यानी कि सर्वेक्षण जब किया जाता है, और लास्ट है केस स्टडी मेथड जो कि सबसे लंबा मेथड है। इसका राइट आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है, जिससे हम किसी भी बच्चे की जो है वो बिहेवियर कि हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक्सपीडेंट जेबीटी जून 2021 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है, यानी कि आपको बताना है कि एसेंशियल कंपोनेंट किसका, एक्सपेरिमेंटल मेथड का। एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो चीज होनी ही चाहिए, पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का प्रेक्षण करना, उसके बाद व्यवहार का अध्ययन करना, फिर प्रयोग वस्तुओं का मिलान यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल आइटम्स हैं उनका आपको मैचिंग करना है, और लास्ट है नियंत्रण अवस्था यानी कि कंट्रोल कंडीशन। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2014 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको बताया गया कि कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि टीचर को जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि किस तरीके से क्या कर रहा है, बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए उसको डांटना है, कब उसको समझाना है, तो बच्चे की पूरी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है,
यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, आपको बताना मेजरमेंट है, ऑब्जेक्टिविटी है, कंट्रोल या फिर हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना करना। तो चरों के बीच यानी कि अगर रिलेशनशिप बतानी है वेरिएबल्स के बीच तो आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी, आपको हाइपोथेसिस तरीके से सोचना पड़ेगा। ये एचपी टेट 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का, ये आपको बताना है। कोरिलेशन वेरिफिकेशन है या फिर कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप इज रिपीट स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट या फिर नन ऑफ दीज। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें वो करना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एचपी टेट जो आपका जेबीटी एग्जाम है 2018 उसमें क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे रहेगा बी, क्योंकि आपको जो है वो रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि क्या वहां पे कारण रहे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपको प्रभाव समझ का कारण पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्जेक्टिव हम किसी चीज को स्टडी करते हैं इसीलिए स्टडी करते हैं कि क्या की हमें जानकारी मिलेगी, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि हमें उसके कारणों का पता चलता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, यानी कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इनहेरिटेड पावर्स ऑफ मैन। ये किसके शब्द हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन के क्वेश्चन आपको बनेंगे, विवेकानंद, जेम्स अरस्तू और दयानंद। ये एचपी टेट 8 सितंबर 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये विवेकानंद जी के शब्द थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है वो क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनहेरिटेड पावर्स ऑफ मैन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ओल्डेस्ट मेथड आपको बताना है बिहेवियर को स्टडी करने का, बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, इनसाइट मेथड, अंतर्दर्शन विधि हम जिसको बोलते हैं, मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस करना, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट करना या फिर नन ऑफ दी। जो सबसे पुरानी विधि है ये एचपी टेट 2017 में पूछा गया था, इसके साथ साथ 2024 के पेपर में भी एचपी टेट 2024 के पेपर में पूछा गया था, 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो सबसे पुरानी विधि है वो है इनसाइट मेथड, इनसाइट मेथड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। व्यवहार को अध्ययन करने के लिए अगर किसी का बिहेवियर समझना है तो जो सबसे पुरानी विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यानी कि साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले किसने किया, आपको बताना है कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, रुडोल्फ गोल्काने थे, स्किनर थे, गिलफोर्ड थे या फिर पावलोव थे। ये एचपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा रुडोल्फ गोल्काने। इन्होंने साइकोलॉजी का सबसे पहले यूज किया था, जब अरस्तू की थ्योरी आई थी तो उसके साथ इन्होंने काफी योगदान दिया था, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा की जो थ्योरी थी, आत्मा का अध्ययन था, इसमें साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किया गया था रुडोल्फ गोल्काने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई आपको बताना है कहां से ओरिजिनेट हुआ, यानी कि साइके प्लस लोगस यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन है कि दो शब्द लोगस और साइको से मिलकर बना है, ये जर्मन भाषा से बना है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका सितंबर 2017 में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। ये आप सभी जानते हैं जब साइकोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को समझने से पहले उसका एक जो जीरो चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर होता है, वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी कहां से, साइके प्लस लोगस से, और ये जो है ये मिलके बना है यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जैसे भी आपको नोट करना है, हिंदी में, इंग्लिश में आप नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर के ऊपर आप जाइए, विजयपद ऑल एग्जाम प्रेपरेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे हमारे फ्री कंटेंट है,
पेड कोर्सेज है वहां पे आपको एक पीडीएफ जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? विलियम जेम्स को, बंडूरा को, वॉटसन को, या फिर नन ऑफ दीज। ये भी 2017 का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो है विलियम जेम्स। मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर है, ठीक है, उनके जो फाउंडर है वो है विलियम जेम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये शब्द किसने कहे थे, किसकी डेफिनेशन है ये? बीएफ स्किनर की, उसके बाद प्रो एंड क्रो, ईएपी या फिर कैरेट। ये आपको पता होना चाहिए, ये 2016 का क्वेश्चन है। एचपी डेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये शब्द कहे गए थे ईएपी के द्वारा। ये क्वेश्चन 2016 के साथ साथ आपके 2022 के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य में से कौन सा कथन जो है वो रिलेट करता है, कौन सी चीज को समझते हैं? यानी बताया गया कि टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट। टीचर बच्चे की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उसकी जो पोटेंशियल्स हैं, उनको वो समझने की कोशिश करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान, या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2016 के पेपर में पूछा गया था। और जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, टीचर जो है वो बच्चों के उस मेथड को समझ रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी में ही काउंटर की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इनमें से क्या नहीं है? अप्लाइड साइंस, यहाँ पे सबसे पहला है व्यवहारिक विज्ञान, यहाँ पे अप्लाइड साइंस की जगह आपके पास आएगा बिहेवियरल साइंस। यहाँ पे है नेक्स्ट प्रयुक्त विज्ञान, यानी कि अप्लाइड साइंस, फिर आदर्शमूलक विज्ञान, आइडियल साइंस जिसको बोलते हैं, लास्ट सोशल साइंस। ये 2014 में एचपी डेट आर्ट्स दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर आपको बताए जाते हैं, जो कि बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जब उसके नेचर की बात करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसमें बताया जाता है कि ये क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब ही क्या है, साइकोलॉजी का मतलब ही कहां से आया, बिहेवियर से, क्योंकि आत्मा की थ्योरी फेल होगी, मन की थ्योरी फेल होगी, चेतना की थ्योरी फेल होगी, तो लास्ट आई बिहेवियर। तो पहला तो ये है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इसके ऊपर, यानी कि इसमें एक्सपेरिमेंटल साइंस को भी प्रेफर किया जाता है, तो अप्लाइड साइंस भी है। उसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान सोशली कंस्ट्रक्टेड है, अब जो भी चीजें हो रही है नेचर में वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो हम साइकोलॉजी को बोल सकते हैं वो एक सोशल साइंस के फॉर्म में भी आती है। इसको हम आइडियल कंट्री साइंस के नाम से नहीं जानते, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है, तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर रहेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हैज बीन मेड द बेसिक ऑफ एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, या फिर साइको एनालिटिज्म। ये आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ये एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में पूछा गया है 13/11/2021 को, 13/11/2021 को एग्जाम हुआ था नवंबर में 2021 में, उसमें ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को जब आधार बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन को जो है वो एक बेस बनाया जाता है एक्सप्लेनिंग बिहेवियर में, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानात्मक बात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मानवतावाद को बल कौन देता है, ह्यूमनिज्म, एम्पैथिसिस, कौन सी चीज है जो मानवतावाद को बल देती है, अचेतन, वातावरण, स्वयं को, या फिर इदम को। ये आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन आपका
उसी सेम पेपर में पूछा गया है नवंबर 2021 में, तो एचपी टेट आर्ट्स जेबीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस चीज को जो है वो मानवतावाद बल देता है, आपको बताना। मानवतावाद ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म खुद को, सेल्फ को देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानवतावाद यानी कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, विकास डैश से डैश की ओर जाता है, डेवलपमेंट जो है वो कहां से कहां मूव करती है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, कॉम्प्लेक्स टू डिफिकल्ट या सिंपल टू इजी। ये 21 नवंबर 2000 सेम उसी पेपर का क्वेश्चन है जो कि आपके एचपी टेट जेबीटी के पेपर में पूछा गया था 2021 में, नवंबर 2021 में। बेसिक क्वेश्चन है जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, जब भी किसी की डेवलपमेंट होती है वो जनरल से स्पेसिफिक में मूव करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर आप हिमाचल टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा एचपीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिमाचल पुलिस है, उसके साथ साथ हिमाचल पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल के जितने भी एग्जाम हैं एचपी टेट के साथ साथ, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है वो आप ले सकते हैं। ये नवरात्रि स्पेशल 9 दिनों का ऑफर जो है वो आपके लिए लगाया गया है, लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि 9 दिनों की नवरात्रि, इसके 90% डायरेक्ट ऑफ यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। 400 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, 400 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 100 सेट मैथ के रहेंगे, 100 रीजनिंग के रहेंगे, 100 आपके इंग्लिश के हैं, और 100 आपके जीके के। जिसमें से अगर आप एचपी टेट आर्ट्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं इंग्लिश के सेट और साथ में जीके के सेट, ये आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इन सभी सेट का जो प्राइस है 400 सेट का, वो आपके लिए अभी रखा गया नवरात्रि स्पेशल में सिर्फ 199 रुपीज। वैसे काफी कॉस्टली, 90% डिस्काउंट के ऊपर अभी आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो 199 रुपीज में आप ये सारी चीजें जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक यहाँ से प्रैक्टिस अपने पेपर के अकॉर्डिंग अगर आपको परचेज करना है तो मात्र 50 रुपए में आप 100 प्रैक्टिस सेट जो है वो परचेज कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके एक बार आप जरूर बताएं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, जिसमें हम एक बार फिर से एचपी टेट के पुराने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। सो जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।